ओके तो हम बायो एनर्जेटिक के की पॉइंट्स कर रहे थे कि लास्ट वीडियो में 35 तक हमने कर लिया था। नाउ 36 है कि द साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ऑफ लाइट रिएक्शन इन्वॉल्व डैश फोटोसिस्टम ओनली, तो ओनली फोटोसिस्टम वन इसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है, द साइक्लिक लाइट रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन, साइक्लिक लाइट रिएक्शन कब होता है, व्हेन एनी डीपीएच आर एबेंडेड बहुत ज्यादा हो, ठीक है, या एटीपी मॉलिक्यूल कम हो, या फोटोसिस्टम टू मालफंक्शन हो गया हो, खराब हो गया हो, ठीक है, तब क्या होता है, साइक्लिक लाइट रिएक्शन टेक प्लेस कर रहा है। द एक्टिवेटेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोटोसिस्टम वन आर एक्सेप्टेड बाय, तो उसको एफआरएस एक्सेप्ट करता है। ठीक है, 38 में क्या हो जाएगा, एफआरएस मीन फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। 39 है कि व्हाट इज द करेक्ट पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन साइक्लिक, तो साइक्लिक में क्या होता है, फोटोसिस्टम वन होता है, ठीक है, एफआरएस होता है ये, फिर उसके बाद फिर प्लस टू क्विनीन होता है, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होते हैं, ठीक है, फिर प्लस टू साइनिन है और इलेक्ट्रॉन दोबारा फोटोसिस्टम वन में आ जाता है। वाटर एंड सनलाइट आर यूज्ड इन लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो लाइट रिएक्शन में यूज होते हैं, ठीक है, द डार्क रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस आकर इन स्ट्रोमा में ये होता है, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन आर NADPH प्लस ATP, ये दो इसके मेन प्रोडक्ट हैं। द सीक्वेंस ऑफ डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस वाज डिस्कवर्ड बाय मेलवन केलवन, ने इसको डिस्कवर किया था। द डार्क रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस आल्सो नोन हैज, डार्क रिएक्शन को केल्विन बेंसन साइकिल भी कहते हैं। द फर्स्ट रिएक्टेंट ऑफ द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस आर CO2 और RUBP होते हैं, ठीक है, ये मेलवन केल्विन इधर आ जाएंगे, CO2 एंड RUBP 45 में आ जाएगा। 46 है कि इन केल्विन साइकिल द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर रूबिस्को है, RUBP राइबुलोज बिसफॉस्फेट, ठीक है, द मोस्ट कॉमन प्रोटीन इन नेचर जो है ना वो फिर आपके पास क्या है, रूबिस्को है। द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ केल्विन साइकिल इज कैटलाइज्ड बाय, रूबिस्को एंजाइम ही कैटलाइज्ड करता है, ठीक है, और द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड PGA, द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस डार्क रिएक्शन में, ठीक है। नॉर्मल फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड C3 साइकिल, बिकॉज क्यों कहते हैं इसको C3 साइकिल, क्योंकि इसका जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है वो PGA होता है, और PGA क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड है। द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन इज यूज्ड इन रिडक्शन फेज ऑफ केल्विन साइकिल, इन द रिडक्शन स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल, रिडक्शन स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल में क्या होता है, डैश मॉलिक्यूल इज फाउंड, पिगाल बनते हैं आपके पास PGAL, ठीक है, आउट ऑफ एवरी 6 पिगाल मॉलिक्यूल ओनली 1 पिगाल इज यूज्ड टू फॉर्म ग्लूकोज एंड डैश, और बाकी जो 5 होते हैं ना वो वापस RUBP को रिजनरेट करते हैं। हाउ मेनी CO2 मॉलिक्यूल आर यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ 1 पिगाल, तो एक साइकिल में भी आपके पास हाउ मेनी CO2 मॉलिक्यूल आर यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ 1 पिगाल मॉलिक्यूल, एक साइकिल होता है ना 3 कार्बन डाइऑक्साइड 1 पिगाल के लिए, फिर 3 कार्बन डाइऑक्साइड दूसरा पिगाल, ये मिलके फिर एक ग्लूकोज 6 कार्बन वाला आपके पास बना देते हैं, ठीक है। 55 है कि हाउ मेनी NADPH मॉलिक्यूल आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ, NADPH का पूछ रहा है वो कितने होंगे, तो एक साइकिल में पूरे में 6 NADPH होते हैं, फिर दूसरा साइकिल फिर 6 NADPH, मतलब 12 NADPH हो गए। लास्ट वीडियो में किया था ना कि 12 एक ग्लूकोज के लिए 12 NADPH जरूरत होते हैं, ठीक है, तो 1 पिगाल होगा 6, 2 पिगाल होगा तो 12 NADPH, या 1 ग्लूकोज भी कह सकते हैं, उसके लिए भी फिर आप 12 कहोगे। हाउ मेनी ATP आर मॉलिक्यूल आर रिक्वायर्ड 1 नेट मॉलिक्यूल ऑफ, पिगाल की बात हो रही है, मतलब ग्लूकोज का हाफ है, तो एक ग्लूकोज के लिए 18 ATP है, और इसने आधा ग्लूकोज किया मतलब पिघल, तो इसके लिए फिर 9 ATP हो जाएंगे, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोजिनोसिस इज, तो ग्लाइकोजिनोसिस का प्रोडक्ट पाइरूविक एसिड है। हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया 38 ATP है, ठीक है, और हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम 1 ग्लूकोज, यूकेरियोट्स में फिर कितने आते हैं, यूकेरियोट्स में 36 आते हैं, ठीक है।
इन प्रिपरेटरी फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस हाउ मैनी एटीपी मॉलिक्यूल आर यूज, कितने यूज होते हैं आपके पास? टू, फोर टोटल होते हैं, टू यूज होते हैं तो नेट आपके पास फिर टू हो जाते हैं। इन ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट इज कन्वर्टेड, ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट किस चीज में कन्वर्ट होता है? फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट में। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट इज कन्वर्टेड, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट किस में कन्वर्ट होता है? ग्लिसरल अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये बिल्कुल डायग्राम से क्वेश्चन है, ठीक है। द ग्लिसरल अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड टू, वो फिर किस में? वो DAHP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एटीपी मॉलिक्यूल आर सिंथेसाइज्ड इन रिएक्शन नंबर डैश, एटीपी मॉलिक्यूल अगर आपको देखो ना डायग्राम में रिएक्शन नंबर दिए हो तो कौन कौन से रिएक्शन पे एटीपी आपके पास प्रोड्यूस होते हैं? तो एक आपके पास सेवंथ स्टेप में प्रोड्यूस होता है एंड टेंथ स्टेप में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। टोटल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस में टोटल कितने रिएक्शन हैं? 10 दिए हुए हैं, ठीक है, 10 स्टेप्स दिए हुए हैं। हाउ मैनी NADH आर प्रोड्यूस इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस में कितने NADH आते हैं आपके पास? 2 प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, और वो उधर ATP नहीं देते, वो आगे जाके 2-2 ATP देते हैं, 4 ATP फिर वो आगे देते हैं क्रेब्स साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज, ग्लाइकोलाइसिस के एंड प्रोडक्ट 2 पाइरूवेट मॉलिक्यूल है, ठीक है। हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल आर सिंथेसाइज इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, तो नेट आपके पास 2 है। लिंक रिएक्शन पाइरूवेट इज कन्वर्टेड इनटू, लिंक रिएक्शन में पाइरूवेट किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए फ्रॉम 1 पाइरूवेट मॉलिक्यूल इन लिंक रिएक्शन, 1 पाइरूवेट से कितने NADH आपके पास आते हैं? तो 1 से 1 ही आता है, ठीक है। और एक ग्लूकोज के लिए पूछ रहे तो उसके लिए 2 लिंक रिएक्शन होते हैं, तो जब 2 लिंक रिएक्शन होंगे तो फिर 2 NADH होंगे आपके पास। द साइट ऑफ पाइरूवेट ऑक्सीडेशन लिंक रिएक्शन इज, ये कहां पे होता है लिंक रिएक्शन? ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल इन यूकेरियोट, तो वो भी आपके पास माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, ठीक है। इन द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ क्रेब्स साइकिल डैश रिएक्ट विद ऑक्सलो एसिटिक एसिड, तो एसिटाइल कोएंजाइम ऑक्सलो एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। द आइसोसिट्रेट इन क्रेब्स साइकिल इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म, तो कैन आई कीप, आई आइसोसिट्रेट है तो वो किस में जाता है? वो आपके पास फिर कीटोग्लूट्रेट में जाता है, ठीक है, कीटोग्लूट्रेट। तो यहाँ पे हम अपने डिस्कशन खत्म करते हैं, इससे जो आगे नेक्स्ट पॉइंट होंगे वो फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।